यार आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना पांच ऐसे बेसिक पॉइंट्स जिसको फॉलो करके आप किसी भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं, बी इट जेईई मेंस, नीट और बोर्ड्स। सो आई एम अभिषेक दुबे एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर वन पॉइंट इज नो द पेपर पैटर्न। होता यही है कि कई बच्चों को पेपर पैटर्न नहीं पता होता और वो बस प्रिपेयर करे जा रहे हैं। अगर आपको पेपर पैटर्न पता होगा तो आप उस पेपर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही प्रिपेयर करोगे कि आप एग्जाम में उस पैटर्न को फॉलो कर पाओ। टेंथ तक हमारी आदत होती है कि हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, बट जेई मेन और नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें जितने ज्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे उतने ज्यादा गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पेपर पैटर्न हमें अपने ध्यान में रखना है प्रिपेयर करते टाइम। सेकेंड पॉइंट इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। 11th क्लास में मैक्सिमम बच्चों को अपने एक सेपरेट मोबाइल फोन मिल जाता है जिससे वो सोशल मीडिया को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, बट सोशल मीडिया जितना ज्यादा यूजफुल है उतना ही ज्यादा एडिक्टिव भी है एंड मोस्ट ऑफ द यूथ डोंट नो हाउ टू यूज इट इन राइट वे। सो मेक श्योर कि आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहें एंड अगर दूर नहीं भी रह सकते तो आप कुछ ऐसे अकाउंट्स फॉलो करें जो मोटिवेशनल हो, जो एजुकेशनल हो, जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एड करें। थर्ड पॉइंट इज अवॉइड बैकलॉग एंड स्टे कंसिस्टेंट। जेईई मेन एंड नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप भले एक दिन में कम पढ़ाई करें बट पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, आपको रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी, आप गैप नहीं ले सकते। एक दिन का गैप आपका दो दिन का गैप बन जाएगा एंड वो वीकली गैप धीरे धीरे मंथली गैप बन जाएगा। मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने अपने 11th क्लास पूरी रिव्यून कर ली एंड 12th में आके उनको रिग्रेट होता है कि उन्होंने 11th में पढ़ाई क्यों नहीं करी। अब उनको 12th में दुगनी मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि बैकलॉग क्लियर नहीं हो सकती, बट आपको डबल एफर्ट लगाने पड़ेंगे, दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, प्रैक्टिस इज द की। जेई मेन और नीट एक ऐसे एग्जाम है जिसमें आपने अगर इनफ प्रैक्टिस नहीं कर रखी बावजूद इसके कि आपके कॉन्सेप्ट कितने भी स्ट्रांग हों तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, आप एग्जाम टाइम में स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट होता है ई जिसकी वैल्यू होती है 2.718। कभी कभी आपको 1.1 की भी जरूरत पड़ जाती है जिसको अगर ये प्रैक्टिस के बाद ये वैल्यू याद है तो वो डायरेक्टली पुट करके अपना आंसर निकाल सकता है, बट वहीं दूसरा बच्चा होगा जो 1.1 एग्जाम टाइम में कैलकुलेट करेगा जो 30-40 सेकंड एक्स्ट्रा लेगा। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आप कुछ वैल्यूज याद हैं तो आप हर क्वेश्चन के 30-40 सेकंड्स बचा सकते हैं। ऐसा करके आप लास्ट में 10-15 मिनट सेव कर सकते हैं जिससे आप पेपर पूरा रिवाइज कर सकते हैं एक बार सॉल्व करने के बाद। सो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर हेल्थ। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ पे इसलिए ध्यान देना है, अगर आप फिजिकली फिट नहीं हुए एंड इलनेस हो गई तो आपको स्कूल और कोचिंग में आपको एक सिक लीव लेनी पड़ सकती है जिसकी वजह से आपका सिलेबस पीछे हो जाएगा एंड अगर एक बार बैकलॉग क्रिएट हो गई तो वो आपको फ्यूचर में जरूर प्रॉब्लम करेगी। एंड मेंटल हेल्थ इसलिए क्योंकि जेई मेन और नीट एक ऐसे एग्जाम है जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है एंड दोनों ही एग्जाम आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन डिमांड करते हैं, तो आपको अपने मेंटल पीस एंड मेंटल हेल्थ दोनों पे ध्यान देना है। बट एट द एंड रिमेंबर वन थिंग, जेई मेन एंड नीट आर जस्ट एन एग्जाम, दे आर इंपॉर्टेंट बट नॉट मोर देन यू। यार ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जान लेने चाहिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।